वन कार्ड, मेरे पास भाई ये कमेंट आया कि भाई वन कार्ड क्या है, इसके रिलेटेड में भाई पूरा हमें डिटेल प्रोवाइड करो। बेसिकली आप लोगों में डाउट क्लियर कर दूं, देखो अगर फर्स्ट टाइम हमें कोई भी क्रेडिट कार्ड चाहिए, हमारे भाई सिबिल स्कोर भाई स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे पास इनकम प्रूफ नहीं है, किसी भी कंपनी का सैलरी स्लिप नहीं है, तो हम भाई अपना वन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। मान के चलिए कि जस्ट अभी आपका भाई 18 प्लस कंप्लीट हुआ है और आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो आप वन कार्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोग को 2000 का एफडी करके भी आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, प्लस और इसमें अगर एफडी करना चाहो तो कर सकते हो, आप लोगों को लिमिट भी और ज्यादा देखने को मिल जाएगा। प्लस इसमें बेनिफिट ये है कि हम किसी को रेफर करेंगे ना, तो इसके थ्रू आप अर्निंग भी कर सकती हो, काफी अच्छा आप लोगों को भाई इसमें सिस्टम देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में आप लोगों को भाई पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, प्लस आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कि भाई मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो भाई कैसा लुक है, मैंने भाई कितने का भाई लिमिट ले रखा है और कैसे मैंने अप्लाई किया, आप लोगों को भाई पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहना। सो चलिए शुरू करते हैं। सो हम आ चुका अपने स्क्रीन पे, एंड यहाँ पे देख लीजिए मेरे पास जो है वन कार्ड लाइट, मैंने जब इसको अप्लाई किया था सो वन कार्ड मेटल वाला कार्ड अप्लाई किया था क्रेडिट कार्ड, लेकिन मेरे को लाइट मिला हुआ है। रीज़न मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा, एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे पास यही क्वेश्चन आया कि भाई इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने इस लाइट कार्ड को मेटल में हम कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। सो आप लोग को इस वीडियो में मैं प्रूफ देने वाला हूँ कैसे आपका कन्वर्ट होएगा। प्रूफ क्या है भाई, इसी में आप लोग को प्रूफ देखने को मिल जाएगा। सो ये आप लोग साथ में यहाँ पे आया पड़ा होगा ये पैम्पलेट इसका, जो यहाँ पे वन कार्ड लाइट के बारे में बताया गया है। सो यहाँ पे देख लीजिए बताया जा रहा है चांस टू अपग्रेड टू वन कार्ड मेटल आप लोग को देखने को मिल जाएगा, मतलब कि अगर आप इसको प्रॉपर यूज करते हो, अगर शॉपिंग वगैरह करते रहते हो, अगर ईएमआई पे कुछ भी प्रोडक्ट बाय करते हो, मतलब कुल मिला के इस क्रेडिट कार्ड को अगर यूज करते हो, हर जगह यूज करोगे शॉपिंग में वगैरह वगैरह जो भी होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिलेटेड में, सो आपका ये ऑटोमेटिक एप्लीकेशन में फीचर्स आ जाएगा, आप उसको अपने मेटल कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड आपका मेटल कार्ड ऑर्डर करने का भी ऑप्शंस आ जाएगा, फिजिकल कार्ड लेने का भी ऑप्शंस आ जाएगा। यहाँ पे पूरा भाई मेंशन किया गया है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। एंड अब रह गया कि भाई एक और आप लोग को बात बताने वाला हूँ, यहाँ पे क्या है कि अगर आप अपने इस वन कार्ड को किसी के साथ में शेयर करते हो तो आप लोग को वहाँ पे पॉइंट मिलता है, जिस पॉइंट को आप यूज करके अपना लिमिट को अपग्रेड कर सकते हो। मेरे पास यही भाई क्वेश्चन आया कि भाई इसके लिमिट को हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में आप यहाँ पे प्रूफ देख लीजिए कैसे मैंने अपना लिमिट अपग्रेड किया, एंड मैंने एफडी किया कितने का, एंड मेरे को इतना लिमिट क्यों देखने को मिला। सो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे हम आ गए हैं, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे मैं अपना यहाँ पे वन कार्ड जो एप्लीकेशन है ओपन कर लेता हूँ। सो ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मेरा अभी आप लोगों को लिमिट देखने को मिलेगा 6200 रुपये, लेकिन आप लोगों को पता है भाई 6200 का भाई तो एक बार एफडी नहीं होता, यहाँ पे क्या 5000 10000 15000 20000 है, लेकिन यहाँ पे 6200 का हुआ है। नीचे में हम स्क्रॉल करेंगे, सो मेरा यहाँ पे रिसेंट में ट्रांजेक्शन देख लीजिए, 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। ये कैसे मैंने ऐड किया आप लोग को यहाँ पे डाउट क्लियर कर दूँ, एंड यहाँ पे मेरा अपने कार्ड पे जाऊँगा, कार्ड पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा टोटल यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट मतलब टोटल एफडी मेरा हुआ है 5333 रुपये। इस पर क्लिक करूंगा, सो मैंने यहाँ पे देख लीजिए 5000 का एफडी किया, लेकिन मेरा यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा 5000 का एफडी, तो लिमिट यहाँ पे होना चाहिए 5500 का, लेकिन मेरा यहाँ पे 6200 का लिमिट यहाँ पे शो किया जा रहा है। ये कैसे? सो यहाँ पे एक ही फंड है, यहाँ पे देख लीजिए अर्न का ऑप्शन बताया जा रहा है, एक फ्रेंड को अगर आप इन्वाइट करते हो सो यहाँ पे आप लोग को मिलेगा 2000 पॉइंट, जो मैंने यहाँ पे विड्रॉ कर रखा है आप लोग को देखने को मिल जाएगा पॉइंट बेसिस पे, मैंने कितना कितना यहाँ पे पॉइंट विड्रॉ कर रखा है आप लोग को वो डाउट क्लियर कर देता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक बार में आप यहाँ पे अपना पॉइंट विड्रॉ करोगे, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रेफर करोगे तो 2000 मिलेगा, प्लस यहाँ पे अगर आप यूज पॉइंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका एक बार में 500 पॉइंट का 50 रुपये, या नहीं तो यहाँ पे 100 पॉइंट का आप लोग को 10 रुपये दिया जाएगा। सो मैंने यहाँ पे 500 पॉइंट यूज करके 50 रुपये मैंने अपना विड्रॉ किया है, जो मेरा डायरेक्ट यहाँ पे कार्ड लिमिट में यूज किया जा रहा है। सो यहाँ पे देख लीजिए मेरा लिमिट जो है ऑटोमेटिक अपग्रेड हो गया है। सो एक तो ये तरीका हो गया, आप यहाँ पे फ्री में अपना लिमिट भाई अपग्रेड कर सकते हो, एंड बाकी अब रह गया भाई और अपना लिमिट हम अपग्रेड करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते और भी ज्यादा, सो यहाँ पे आप लोग को एफडी करना पड़ेगा, एफडी बिना किए आपको अपना लिमिट भाई अपग्रेड नहीं कर सकते। सिंपल सा इस पे आना है, इस पे आने के बाद इंक्रीज योर लिमिट बताया जा रहा है, इस पे क्लिक कर देना है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी क्या है मेरा पेंडिंग यहाँ पे बताया रहा है, मैंने एक बार ट्राई किया था। सो रिट्राई पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैंने 10000 का सोचा था कि अपना यहाँ पे एफडी और कर दूं, फिर मैं सोचा यार कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे को कोई भी पंगा नहीं है, मैं इतने में ही खुश हूँ, मेरे को जो 6200 का लिमिट मिल चुका है और क्या चाहिए, बहुत है अपना सिविल स्कोर भाई बिल्ड करने के लिए, एंड फ्यूचर में मेरे को अगर नीड हुआ इससे ज्यादा का सो मैं जरूर अपना एफडी
भी कर लूँगा। सो ईजी प्रोसेस है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद इंक्रीज लिमिट पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आप लोग को बताया जाएगा कितने का आप लिमिट करना चाहते हो एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्लिक कर देना है, आपको अपना पेमेंट कर देना है। ईजी यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा जितने का आप अपना लिमिट भाई अपग्रेड करना चाहते हो। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर दोबारा आप वहीं पर आ जाओगे, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस तरह आप अपना भाई लिमिट अपग्रेड कर सकते हो एंड प्लस आप लोग को अपना ये लाइट कार्ड को मेटल कार्ड में कन्वर्ट करने का भाई अच्छा ये मौका देखने को मिल जाएगा। इसको आप यूज़ कीजिए, यहाँ पे क्लियर भाई मेंशन किया गया है, देख लीजिए, आप अपना ये चेकआउट कर सकते हो, आपके पास भी ये आया होगा तो। एंड अब रह गया भाई ये कितने दिन में रिसीव होता है, सो 12 से 15 दिन के अंदर रिसीव हो जाता है। अदरवाइज आपको अगर नहीं मिलता है तो घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे आइकन पे क्लिक कीजिए, हेल्प यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, नीड हेल्प पे इस पर क्लिक करके भाई इनके टीम सपोर्ट से आप बात कर सकते हो किसके रिलेटेड में, यहाँ पे अदर क्वेरी के रिलेटेड में आपको ये कार्ड रिसीव नहीं हुआ सो इस पर कर सकते हो, या यहाँ पे कार्ड के रिलेटेड में यहाँ पे करके आप इनसे बात कर पाओगे मेरा कार्ड अभी तक रिसीव क्यों नहीं हुआ। सो होप आप लोगों को जो भी डाउट था मैंने क्लियर कर दिया। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, क्वेश्चन रहता है, नीचे कमेंट कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर आइए, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में इस तरह की वीडियो डालेंगे आप लोगों को मिलता रहेगा उसका नोटिफिकेशन। सो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।